मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। वो बस एक सिक्योर कोना ढूंढते हैं और उसी कोने में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए सोचते हैं। असल में दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सिर्फ जी हुजूरी करना जानते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना जानते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हाँ में हाँ न मिलाकर खुद के हिसाब से जो चीज सही है वो चीज करके ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। ये जो जी हुजूरी करने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हें करने को कहता है। इसलिए इन्हें मिलता भी उतना ही है जितना इनका मालिक इन्हें देता है। और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं उन्हें उतना मिलता है जितनी उनकी सोच उन्हें देने के सपने दिखाती है। आपने देखा होगा कि गधा कैसे मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, अपने मालिक की गुलामी करता है, लेकिन बहुत जी तोड़ के मेहनत करने के बाद भी रहता आखिर गधा ही है। लेकिन शेर पूरे दिन सोता है और जब समय आता है शिकार का, तब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है शिकार करने में। वह अपना लीडर खुद होता है। शेर कभी भी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जितनी मेहनत गधा पूरे दिन में करता है उतनी मेहनत शेर एक मिनट में करता है, लेकिन उसके द्वारा एक मिनट में की गई मेहनत गधे द्वारा की गई दिन भर की मेहनत से कई गुना ज्यादा होती है। शेर जब एक बार शिकार करता है तो फिर उसे 2-3 दिन तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गधा अगर एक दिन भी काम न करे तो उसका काम नहीं चल सकता, उसका मालिक उसे भगा देगा। जी हुजूरी जो लोग करते हैं उनकी मेहनत सफल तो होती है, पर काम वही करना पड़ता है जो उनका मालिक उन्हें करने को बोलता है। पर अगर तुम शुरू में ही टोक दोगे कि मेरा जो काम है उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हारे सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ये चीज बोले। जी हुजूरी करते करते अगर तुम ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हो तो उन लोगों की नजर में तुम्हारी इज्जत वही रहेगी कि हमारी वजह से ही वह पहुंचा है। पर अगर तुम अपने दम पर ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर नजर उठती भी है तो उन आंखों में इतना आदर प्यार और सम्मान होगा कि तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा होने लगेगा। गुलामी किसी की भी क्यों करनी है यार। कोई भी इंसान कमजोर सिर्फ तब होता है जब उसकी बुद्धि और उसका दिल उसे यह यकीन दिलवाता है कि तुम कमजोर हो। ये पूरी दुनिया भगवान ने आपको सम्मान के साथ जीने के लिए दी है। ईश्वर माता पिता और गुरु के अलावा ये सिर कहीं झुकाने से पहले 100 बार सोचना कि जहाँ मैं सिर झुका रहा हूँ वह इस लायक है भी या नहीं। काम करो, बहुत करो, पर कभी अपने आप को किसी के पैरों में मत गिराना, और ना ही किसी के सामने इतना झुकना कि वह आपको पावदान समझने लगे। आत्मसम्मान को बरकरार रखना आसान नहीं होता है, खासतौर उस दौर में जिस दौर में आत्मसम्मान के साथ समझौता करने पर आपको कोई भी चीज आसानी से मिलती हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।